Hey guys, welcome back to Market Technical and this is a daily review video of Bank Nifty and Nifty charts. So, शुरुआत हम करने जा रहे हैं Nifty के daily chart से. तो देखते हैं आज किस तरह का candle formation हुआ और किस तरह का हमें पूरे session में price action देखने को मिला. तो आज की अगर आप candle देखें तो आज की एक bullish candle इसमें बनी है और आज की opening अगर आप देखें तो opening एक gap down opening थी. कल की ओपनिंग थी करीब कल की क्लोजिंग थी 10,860 के आसपास और आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 10,815 के आसपास. और अगर आप नोटिस करें तो आज का ओपन और आज का लो सेम था. तो आपने देखा जैसे ही ओपनिंग हुई उसके बाद से ही हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिली. आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आर्ली चार्ट पे जाके देख सकते हैं, इसे ड्रिल डाउन कर सकते हैं ताकि आप देख सकें अच्छे से कि किस तरह का प्राइस एक्शन आज हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला. तो आज की आप अगर पहली कैंडल देखें तो ये पहली कैंडल ये ग्रीन बुलिश कैंडल थी. ओपन और लो सेम था. ओपन था 10,815 का और लो भी 10,815 का था. ओपनिंग से ही हमें तेजी देखने को मिली, एक बुलिश कैंडल बनी. थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया निफ्टी ने और उसके बाद हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली. तो कल के सेशन में जो गैप क्रिएट हुआ था वो आज के सेशन में निफ्टी ने उस गैप को फिल कर दिया है. और ये गैप का जो हाई है वो है 11,000 के आसपास, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो निफ्टी ने कल के सेशन में तोड़ दिया था. वो लेवल्स ब्रेक हो गए थे और यही लेवल्स अब आगे के लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे. तो कल के सेशन के लिए आप 11,000 के लेवल को नोटिस करें. अगर इसके ऊपर अगर हमें 11,000 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है निफ्टी 11,100 और 11,300 के लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ लेवल्स हैं आप ध्यान में रखें. और नीचे के लेवल पे 10,900 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा. तो 10,900 एक सपोर्ट और आप ऊपर के लेवल पे अगर रेसिस्टेंस देखें तो 11,100 और 11,300. तो ये तीन लेवल्स हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं. और आप यहाँ पे अगर प्राइस का स्ट्रक्चर नोटिस करें तो प्राइस का जो स्ट्रक्चर है अभी भी लोअर लो लोअर हाइज का है. लेकिन हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस जो है यहाँ से काफ़ी दूर है. अगर हम यहाँ पे एडजस्टेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हम ये रीसेंट प्राइस को यहाँ पे कैच कर सकें. ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये स्विंग हाई और लेटेस्ट स्विंग हाई इसे कनेक्ट करके करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस अटक रहा है. और कल के सेशन में जैसा कि 11,000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा करीब 11,100 के आसपास. और अगर इस लेवल से भी ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 11,300 के आसपास. तो ये जो लेवल्स हैं आप ध्यान में रखें. नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है 10,900 और उसके बाद 10,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है. अगर 10,800 निफ्टी होल्ड करता है, मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि 10,800 होल्ड करता है तो हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा. और अगर 10,800 के लेवल टूटते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है जो 10,500 तक आपको लेके जा सकती है. तो जैसा कि हमने निफ्टी के डेली चार्ट पे देखा और एक बार डेली चार्ट और देख लेते हैं. तो डेली चार्ट अगर आप देखें नोटिस करें, कल के सेशन मैंने आपको बताया था कि एक हैमर कैंडल बनती हुई नज़र आई है लेकिन वहाँ पर हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है. हैमर कैंडल एक इंडिसाइसिव कैंडल है जिसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए. जो कंफर्मेशन आज के सेशन में हमें मिल चुकी है, हैमर के हाई के ऊपर क्लोज आ चुका है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है. तो पहले हैमर कैंडल उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग. तो हो सकता है हमें ये जो आपने अभी तेजी देखी है आज के सेशन में ये थोड़ी बहुत और आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आए. और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमने देखने को मिल चुकी है, काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, काफ़ी ओवर एक्सटेंड हो चुका है तो हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है. और साथ में अगर आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियोस देखे हैं और रिव्यू वीडियोस तो मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी भी बताई थी कि यहाँ पर रिकॉर्ड काउंट सेशन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जहाँ पे केवल करीब 11 कैंडल्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं. और आज देखिए कि जो पिछली कैंडल है उसके ऊपर हमें क्लोज भी मिल चुका है तो वहाँ से भी हमारे पास कन्फर्मेशन है. तो चलिए इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं.
तो वीकली चार्ट पे अगर आप अभी देखेंगे तो RSI जो है 40 के नीचे है अभी। तो देखिए वीक के आसपास किस तरह की क्लोजिंग देखने को मिलती है और किस तरह की कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आती। तो इम्पॉर्टेंट है 11,000 के लेवल, तो आप नोटिस करें। वीकली क्लोजिंग अगर हमें 11,100 के ऊपर मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और अगर हम मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो सेम यहाँ पर भी वही है। ये आप जो लाइंस देख रहे हैं ये मंथली सपोर्ट हमने यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं। तो मंथली लेवल पे अगर आपको 10,900 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छी क्लोजिंग हो सकती है। और ये जो बाउंस बैक अभी जो हमें डेली चार्ट पे दिख रहा है वो थोड़ा यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो मेन ये लेवल्स हैं आप ध्यान में रखेंगे, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। सो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी अगर आप देखें तो कल के सेशन में एक हैमर कैंडल बनी, इंडिसाइजिव कैंडल थी तो कंफर्मेशन जरूरी था। तो आज के सेशन में आप एक बुलिश इंगल्फिंग देख सकते हैं, पिछली कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हुई। मेन अगर आप देखेंगे तो अभी 28,000 का जो सपोर्ट था जो निफ्टी ने कल के सेशन में तोड़ा था, वो सपोर्ट जो है वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 28,000 के जो लेवल्स हैं आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में ध्यान रखें। और 28 ये थोड़ा जोन है 28,000 से 28,100 का। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो नेक्स्ट लेवल्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो 28,500 और 28,900 के हो सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे फिबोनाची रेशियोज भी प्लॉट कर सकते हैं जिससे आप रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला रेसिस्टेंस जो फिबोनाची से आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 28,430 के आसपास। और जो मेजर यहाँ पर जो प्राइस आप देख सकते हैं, जो प्राइस रेसिस्टेंस है और फिबोनाची रेसिस्टेंस है वो है 28,900 के आसपास। तो 28,900 के जो लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 28,900 से 29,000 के, राइट। सो आज का यहाँ पे ब्रेक डाउन देख लेते हैं अर्ली चार्ट पे किस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, ओपन लो सेम है आप देख सकते हैं। आज का पहली कैंडल एक अच्छी तेजी की कैंडल बनी, थोड़ा सा होल्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे तेजी कंटिन्यू होती नजर आई। और जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये जो हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन मार्क कर रखे हैं, सप्लाई जोन मार्क करें, वहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर हमें इसके ऊपर कल ओपनिंग देखने को मिलती है कल के सेशन में तो ये जो आज बाउंस बैक हुआ है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो मेन ये लेवल्स हैं आप ध्यान में रखें। वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे RSI 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर है निफ्टी जैसा। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि वीकली लेवल पे आपको क्लोजिंग अगर 28,000 से 28,100 के ऊपर मिलती है तो ये बाउंस बैक आगे 29,000 तक कंटिन्यू हो सकता है, राइट। मंथली चार्ट अगर आप भी देखें तो मंथली चार्ट पे जैसे हमने कहा था कि स्ट्रक्चर वीक है लेकिन ये सपोर्ट के आसपास है तो हमें बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी जो आज के सेशन में हमने देखने को मिली। अब ये हमें देखना है कि ये बाउंस बैक आगे कितना कंटिन्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये रिवर्सल है। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन नोटिस करना पड़ेगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन रहेगा, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी बाउंस बैक है, एक पुल बैक है या फिर ये कंप्लीट रिवर्सल है। तो प्राइस एक्शन को आप कंटिन्यूसली नोटिस करें। तो चलिए बोलिंजर बैंड्स भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो बोलिंजर बैंड्स देखें कि प्राइजेस अभी भी उसको लोअर बैंड को राइड कर रहे हैं और आज के सेशन में लोअर बैंड पे एक बुलिश कैंडल बनी है। और अगर आप मिडल बैंड देखें तो मिडल बैंड करीब आता है 29,400 के आसपास। और अगर हम आर्ली चार्ट पे जाएं तो आर्ली चार्ट पे अगर आप देखें अब तक यहाँ से जो गिरावट हमने देखने को मिली थी जो 28,000 के लेवल्स ब्रेक हुए थे उसके बाद से प्राइस जो है मिडल बैंड को क्रॉस नहीं कर रहे थे। आज के सेशन में ये जो मिडल बैंड है उसके ऊपर जाके प्राइसेस क्लोज हुए हैं।
तो मिडल बैंड अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है प्राइस का वो 28,400 के आसपास है बैंक निफ्टी का. सो आप ये लेवल्स ध्यान रख सकते हैं, ये आपको इंट्राडे में काफ़ी यूजफुल रहेंगे ये लेवल्स. 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं. तो 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे प्राइजेस आज के पूरे सेशन में, आज की आप कैंडल देखें, लोअर बैंड के आसपास प्राइस ओपन हुए थे और उसके बाद कंटिन्यूसली मिडिल बैंड के ऊपर ही ऊपर प्राइजेस ने ट्रेड किया है. अब आपको कल के सेशन में ये देखना है कि क्या प्राइजेस इस अपर बैंड को राइड करते हैं, इसके साथ साथ ट्रेड करते हैं, तो जो मोमेंटम होगा पुल बैक का काफ़ी अच्छा रहेगा. तो आप देखिए कि किस तरह का प्राइज एक्शन आपको कल को देखने को मिलता है, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. मैं आपसे फिर मिलूंगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.